वेलकम बैक टू माई चैनल। हैप्पी करवा चौथ आप सभी लेडीज़ को, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया है और हेड वॉश कर लिया है और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मॉर्निंग की जो पूजा होती है, नॉर्मल पूजा, वो करूँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और दिव्य मैंने स्कूल भेज दिया है, दिव्य आज 1 o'clock आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये है मेरे मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है, डार्क एकदम। और इस हाथ की भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज मैंने पहना है सूट मॉर्निंग में और शाम को पहनूंगी साड़ी। तो चलिए जाकर पूजा कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं सारा दिन क्या करती हूँ, कैसा मेरा सारा दिन जाता है और क्या क्या बनाती हूँ, वो आप लोगों से शेयर करूँगी और शाम का वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सूट वेयर किया है। ये मुझे मीशो से रिसीव हुआ था, बहुत ही प्यारा सूट है, आप करवा चौथ में इसे वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करवा चौथ के लिए स्पेशली लिया था। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका कलर कैसा है। और चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा पूजा करेंगे। पूजा के लिए तो थोड़ा सा बालों को ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद मैं कर लूँगी अपने बालों को ड्राई थोड़ा सा, क्योंकि गीले हो रखे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। और यहाँ पर मैंने मैरून कलर की चूड़ी पहनी हुई है और इसकी चुन्नी बहुत ही प्यारी है। तो आप लोग भी जाके इनके पेज को चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर में सबसे पहले मैं दिया वगैरह जलाऊँगी, जो भी पूजा होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है और यहाँ पर हमने शिव जी पार्वती जी के सामने मैंने दिया जला दिया और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ कि हमेशा मैं सदा सुहागन रहूँ। तो इस तरह से मैं सुबह की पूजा कर लेती हूँ और जो शाम की पूजा होगी वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कि हम किस तरह से पूजा करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में नीचे ही होता है, आंटी वगैरह पूजा कराती है, तो हम सारे ग्रुप में ही करते हैं। तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहेगा। और चलिए हम देखते हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ सारे दिन में, तो चलिए आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूजा करके आ जाऊँगी किचन में, तो मुझे बनाने हैं आज दही। मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, तो मैं बनाने वाली हूँ दही बल्ले व्रत के लिए। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया गर्म पानी और यहाँ पर मैंने दाल भी पीस कर रख ली हुई थी। तो फटाफट से यहाँ पर मैं दही बल्ले बनाऊँगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और यहाँ पर मेरे दही बल्ले भी बन गए हैं। तो यदि आपको इसका फुल रेसिपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके चेकआउट करेंगे तो आपको फुल वीडियो मिल जाएगा इसका, मैं कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने खीर भी चढ़ा दी थी साथ में, तो ये भी पक गई है। और साथ में बना रही थी मैं गुलगुले, तो तीनों तरफ से मेरी तीनों साइड मैंने चढ़ा रखे थे, एक साइड खीर, एक गुलगुले। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और मटर की सब्ज़ी, जो कि व्रत में बिना प्याज के मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे फटाफट से सारी तैयारी कर लूँगी क्योंकि मुझे शाम को 5 बजे पूजा करनी होती है, तो मैं दोपहर में ही सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पनीर भी रेडी हो गया है। तो अब सारी चीज़ें रेडी हो गई है, बस शाम को पूड़ी वगैरह रह जाएंगी, वो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा की तैयारी, जो शाम को मुझे सारी चीज़ें सामने मिल जाती हैं। तो जो मम्मी के यहाँ से जो आता है, जो सारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे कि चूड़ी, मेकअप का सामान, साड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मायके से दी जाती हैं। तो हर साल मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं यहाँ ले और मुझे मम्मी दे देती है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी मेरी पूजा की तैयारी हो गई है और शाम को मैं जाऊँगी नीचे क्लब में, क्योंकि क्लब में होने वाली करवा चौथ की पूजा, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि वहाँ पर किस तरह से पूजा की जाती है। वहाँ पे आंटी पूजा कराती है, तो आप लोग जरूर बने रहेंगे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को भरपूर से प्यार दीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जरूर जाएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ।